So we were considering different ways, different modes for expressing concentration of the solution. The first way for expressing concentration of the solution that we have considered was mass percentage or percentage by mass, dusra volume percentage, tisra mass volume percentage, chautha parts per million, or panchwa type apne chalu kiya tha, that is known as mole fraction. Mole fraction of a component of solution. Solution अगर binary है तो उसमें दो components रहेंगे, ट्राइनरी अगर है तो तीन components रहेंगे, क्वार्टरनरी अगर है तो चार components रहेंगे, और हर एक component का अपना अपना एक mole fraction रहेगा, और solution में जितने भी components है उन सभी components के उन सभी components के mole fraction के सम कभी भी वन आएंगे. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मे बी टू मे बी थ्री मे बी फोर विल कम आउट टू बी वन. मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट्स है ए और बी. ए का मोल फ्रैक्शन मान लो 0.1 है तो 1 - 0.1 है ना 0.9, ये होगा बी का मोल फ्रैक्शन, और दोनों की टोटल कभी भी वन आएगी. मान लो तीन कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के ए बी और सी. ए का मोल फ्रैक्शन मान लो 0.3 है, बी का मोल फ्रैक्शन मान लो 0.5 है. 0.3 प्लस 0.5 यानी 0.8, इसको 1 में से माइनस कर देना तो बचा हुआ मोल फ्रैक्शन सी का रहेगा, इन तीनों की टोटल 1. ये बात ध्यान में रखना कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन की सम कभी भी 1 रहेंगे. और आपको पिछली बार मैंने फ्रैक्शन का मतलब भी बताया था. फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, वैसे फ्रैक्शन का मतलब आउट ऑफ 1. जैसे मान लो अपन ने ये जो एक सर्कल है इसके चार इक्वल पार्ट किए तो हर एक पार्ट है ना 1/4 फ्रैक्शन हो गए, यानी एक का चौथाई भाग 1/4 फ्रैक्शन. और परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, और फ्रैक्शन को अगर अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा अपने को परसेंटेज. 1/4 फ्रैक्शन का मतलब होता है 25%, हाफ फ्रैक्शन का मतलब होता है 50%, 3/4 फ्रैक्शन का मतलब होता है 3/4 × 100 दैट इज 75%. फ्रैक्शन यानी आउट ऑफ 1, परसेंटेज यानी आउट ऑफ 100. तो कोई भी फ्रैक्शन को अगर अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया तब तक वो परसेंटेज मिलेगा. ये जो मोल फ्रैक्शन है इस मोल फ्रैक्शन को भी अगर अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो उस कंपोनेंट का मोल परसेंटेज अपने को मिलेगा, मोल परसेंटेज. अब मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन अपन ने ली थी. मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. कोई भी सब्सटेंस की क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए, अमाउंट एक्सप्रेस करने के लिए एसआई यूनिट है मोल. यानी कोई भी सब्सटेंस की क्वांटिटी अपन मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 0.1 मोल, कितने भी मोल. तो सॉल्यूशन में अगर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स है तो उनके उनके अपने अपने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, और सॉल्यूशन में जितने भी फ्रैक्शंस है उनके जो नंबर ऑफ मोल्स है उनकी सम 1 में रहेंगे, उनके मोल फ्रैक्शन की सम 1 रहेंगे. और सॉल्यूशन में के कोई भी एक कंपोनेंट का अगर अपने को एक मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का है तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूशन में के सभी कंपोनेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना तो अपने को जो रेशियो मिलेगा
वो रेशियो यानी उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, एंड दैट मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एक्स। अब मान लो सॉल्यूशन बाइनरी है, उसमें दो कंपोनेंट्स है ए और बी, उसमें ए के नंबर ऑफ मोल्स एन वन है, बी के नंबर ऑफ मोल्स एन टू है। नंबर ऑफ मोल्स की टोटल वन नहीं रहेंगे, इनके मोल फ्रैक्शन की टोटल वन रहेंगे। अब ए के नंबर ऑफ मोल्स एन वन है, बी के नंबर ऑफ मोल्स एन टू है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको अपन ऐसा लिखेंगे एक्स ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज एन वन अपॉन दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन वन प्लस एन टू, ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स यानी ए का मोल फ्रैक्शन। उसी प्रकार से बी का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन इतना रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट इज एन टू अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट इज एन वन प्लस एन टू। ये ए का मोल फ्रैक्शन होगा, ये बी का मोल फ्रैक्शन होगा। अब इन दोनों के मोल फ्रैक्शन की टोटल अपन करके देखेंगे, वो वन आनी चाहिए। एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू ए का मोल फ्रैक्शन प्लस एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों के न्यूमरेटर की एडिशन होगी, यानी एन वन प्लस एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू दैट इज वन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू वन। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स की टोटल वन नहीं रहेंगी, लेकिन दोनों के मोल फ्रैक्शन की टोटल वन रहेगी अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो। अगर सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स हैं, मान लो ए बी और सी, और सी के नंबर ऑफ मोल्स मान लो एन थ्री है, तो तीनों का अपना अपना मोल फ्रैक्शन रहेगा। ए का मोल फ्रैक्शन एन वन अपॉन तीनों की टोटल एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। बी का मोल फ्रैक्शन बी के नंबर ऑफ मोल्स एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। अब यहाँ पर सी का भी मोल फ्रैक्शन आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी दैट इज एन थ्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। और इन तीनों की अगर अपन टोटल की तो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, अगेन इट विल कम आउट टू बी वन। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उनके मोल फ्रैक्शन की, उनके नंबर ऑफ मोल्स की नहीं, उनके मोल फ्रैक्शन की टोटल कभी भी वन आएंगे। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना और फिर दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, उसको वन में से माइनस कर देना। अगर ट्राइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें के दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन पहले अपन कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों की टोटल करना और फिर उस टोटल को वन में से माइनस कर देना, तो अपने को मिलेगा तीसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अब ये मोल्स का नंबर है, ये भी मोल्स का नंबर है, इसको यूनिट नहीं है, इसको भी यूनिट नहीं है, तो नेचुरली मोल फ्रैक्शन को भी किसी प्रकार का यूनिट नहीं रहेगा। और मोल यानी सब्सटेंस की क्वांटिटी अमाउंट एक्सप्रेस करने का एसआई यूनिट है, और ये सब्सटेंस की अमाउंट सब्सटेंस की क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहती, इसलिए मोल फ्रैक्शन ये टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है, ये यूनिटलेस भी है, टेम्परेचर इनडिपेंडेंट भी है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए
अपने को उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे और सभी कंपोनेंट्स के भी नंबर ऑफ मोल्स अपने को लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम में अगर कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स देने के बजाय अगर कंपोनेंट्स के मासेस दिए हैं ग्राम में या किलोग्राम में, तो वो जो सब्सटेंसेस के मासेस है ग्राम है किलोग्राम में, उस पर से अपने को उन कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एन। उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सभी कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उनकी सम कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर ये रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये रेशियो यानी उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। तो अगर सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स के अपने को मासेस दिए हैं ग्राम में या किलोग्राम में, तो उस पर से उनके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले अपन यहाँ पर लेंगे। और ये फॉर्मूले हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखने की है, क्योंकि ये जो दो फॉर्मूले है इसका आपको हमेशा काम पड़ने वाला है। कोई भी कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स एन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, मान लो उस कंपोनेंट का मास अपने को ग्राम में दिया है, तो फॉर्मूला ये मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन ग्राम, मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ द सेम कंपोनेंट इन ग्राम पर मोल। अब मोलर मास का मतलब इसके बाद में समझाता हूं मैं। मान लो उस कंपोनेंट का मास दिया है ग्राम में, तो उस सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करना, लेकिन उसका मोलर मास अपने को लेना पड़ेगा ग्राम पर मोल में, ये ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसल पर मोल ऊपर यानी मोल आएंगे, यानी अपने को उसके नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। और दूसरा फॉर्मूला अपने को ये भी यूज करते हैं, मान लो वो जो सब्सटेंस है कंपोनेंट है उसका मास किलोग्राम में दिया है, मास ऑफ सब्सटेंस कंपोनेंट इज गिवन इज सपोज इन किलोग्राम, देन मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन किलोग्राम इज टू बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन किलोग्राम पर मोल। ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखने की है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा मोलर मास यानी क्या। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन ग्राम पर मोल। और दूसरा फॉर्मूला मास इन किलोग्राम अपॉन मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल पर मोल ऊपर लिया तो मोल आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करके या ये फॉर्मूला यूज करके अपन कोई भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद में ये फॉर्मूला यूज करके उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोलर मास यानी क्या, अब ये थोड़ा सा आपको एलेवेंथ में जाना पड़ेगा, एलेवेंथ में मोल कंसेप्ट अपार्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, उसका ये रेफरेंस यहाँ पर आया है। मोलर मास का मतलब क्या, नाम पर से बता सकते हो, मोलर मास यानी मास ऑफ वन मोल मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस की क्वांटिटी अमाउंट अपन नंबर ऑफ मोल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सब्सटेंस अपने को मास ऑफ वन मोल, मोलर मास है मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस लेना, अब एक मोल सब्सटेंस है कितना ये भी इसके बाद में बता रहा हूं। एक मोल सब्सटेंस लेना और उस सब्सटेंस का जो भी मास आएगा, जो मास मेजर करना एक मोल सब्सटेंस का, जो भी एक उस एक मोल सब्सटेंस का जो भी मास आएगा ग्राम में, वो होगा उसका मोलर मास इन ग्राम पर मोल, पर का मतलब वन, ग्राम पर मोल का मतलब मास ऑफ सब्सटेंस
mass of 1 mole of a substance in gram और 1 mole substance का mass measure करना और वो mass अगर अपने किलोग्राम में measure किया तो वो mass है ना उसका molar mass आएगा लेकिन उसका unit रहेगा किलोग्राम पर मोल तो molar mass है ना 1 mole substance का mass may be in gram और may be in किलोग्राम इसलिए मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल अब 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस है ने क्या मोल के 3 अलग अलग प्रकार के डेफिनेशंस 11th में दिए हैं उसमें की एक डेफिनेशन अपन लेंगे 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड as amount of substance in gram equal to its molecular mass substance ka jitna molecular mass hai utne gram substance lena सब्सटेंस का जितना भी मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम सब्सटेंस लेना और उस सब्सटेंस को अपन कहेंगे उसका 1 मोल और उस 1 मोल सब्सटेंस का जो भी मास रहेगा ग्राम में ऑफ कोर्स वो मास है ना उसका मोलर मास अब क्वेश्चन आएगा मॉलिक्यूलर मास है ना क्या सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास है ना क्या मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन मॉलिक्यूल ये एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है Molecule is the smallest particle of an element or compound which has pre-existence. और element या compound का ऐसा smallest particle जिसको independent existence है वो smallest particle है ना molecule. और molecule element का भी हो सकता है molecule compound का भी हो सकता है जैसा hydrogen ये element है उसका molecular formula अपन लिखते हैं H2 यह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं यह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं यह नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं यह ओजोन का मॉलिक्यूल है 3 एटम्स हैं यह फास्फोरस का मॉलिक्यूल है इसमें फास्फोरस के 4 एटम्स हैं ये हो गए एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल जैसे वाटर वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है और वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है ऑक्सीजन का 1 एटम अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4 नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला HNO3 तो मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा एटम्स रहेंगे मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा एटम्स रहेंगे और उन एटम्स के एटॉमिक मासेस की टोटल यानी उसका मॉलिक्यूलर मास ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की यानी कैलकुलेशन के लिए ये मेथड हो गई लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन नहीं है डेफिनेशन अलग है अब जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2 इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है ये आपको मालूम होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में सभी के एटॉमिक मासेस दिए हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो 2 एटम का मास 2 आएगा यह होगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और एक बात ध्यान में रखना कि मॉलिक्यूलर मास को किसी प्रकार का यूनिट नहीं है मॉलिक्यूलर मास ग्राम में भी लिखना नहीं किलोग्राम में भी लिखना नहीं किसी प्रकार का यूनिट उसको देने की आवश्यकता नहीं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 आएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स है तो इसका मॉलिक्यूलर मास 28 आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स है मॉलिक्यूलर मास 48 आएगा फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 है यहाँ पर फॉस्फोरस के 4 एटम्स है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 124 आएगा वाटर
वाटर में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, दो हाइड्रोजन का मास 2 रहेगा, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। अमोनिया नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन 3, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17। यहाँ पर दो हाइड्रोजन दो, सल्फर का एटॉमिक मास 32, चार ऑक्सीजन का 64 इक्वल टू 98। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14, तीन ऑक्सीजन 48, तो ये आएगा 63। ये हो गए कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस और ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मास को किसी प्रकार का यूनिट नहीं देना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन इस प्रकार की है। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन ऐसी है, मॉलिक्यूलर मास है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस मे बी एलिमेंट और कंपाउंड अपॉन 1/12 मास ऑफ C12। ये डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास की। सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम किलोग्राम कोई भी यूनिट में अपॉन ये जो कार्बन एटम है इसका 1/12 मास। ये ग्राम में लिया तो ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में लिया तो ये भी किलोग्राम में, ये मिलीग्राम में लिया तो ये भी मिलीग्राम में, दोनों मासेस का ये रेशो है, यूनिट कैंसिल होंगे, इसलिए मॉलिक्यूलर मास को किसी प्रकार का यूनिट नहीं रहता। ये मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अपने को मालूम है तो उस पर से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के ये मेथड है। कंपाउंड के एलिमेंट के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस की सम यानी उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर एलिमेंट का एटम नहीं फॉर्म, एलिमेंट का मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म होता, एलिमेंट अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो उसका एटॉमिक मास है ना मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करना। जैसे सोडियम का मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म होता तो सोडियम का एटॉमिक मास यानी उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर से अपन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और सब्सटेंस का जितना मॉलिक्यूलर मास है, सब्सटेंस का जितना मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम अगर अपन ने सब्सटेंस लिया तो उस सब्सटेंस के क्वांटिटी को अपन कहेंगे उसका एक मोल। ये वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस की डेफिनेशन है। वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे मान लो अपन ने वाटर लिया, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, इस पर से उसका अपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया 18। इसको किसी प्रकार का यूनिट नहीं है। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है और ये जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, इतने ग्राम अगर अपन ने वाटर लिया तो उसको अपन कहेंगे वाटर का एक मोल। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है तो एक मोल वाटर का मास 18 ग्राम रहेगा। और ये 18 ग्राम वाटर के एक मोल का मास है, 18 ग्राम ये वाटर के एक मोल का मास है, तो इसी को अपन कहेंगे वाटर का मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास है, वाटर का मोलर मास आएगा 18 ग्राम ही लिखना, लेकिन ये एक मोल का मास होने की वजह से ग्राम पर मोल लिखना। देखो वाटर का फॉर्मूला H2O, उसका मॉलिक्यूलर मास 18 और ये जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, इसको सिर्फ ग्राम पर मोल लगा देना तो वो होगा उसके एक मोल का मास यानी मोलर मास। अब ये जो वाटर का मोलर मास है ये ग्राम पर मोल में है और ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्शन करने के लिए इसको 10^-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी को अगर अपन ने 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा वाटर का मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास को यूनिट नहीं है। और सब्सटेंस का जितना मॉलिक्यूलर मास है उसको सिर्फ ग्राम पर मोल लगा देना तो वो होगा उसका मोलर मास इन ग्राम पर मोल। और वो जो मोलर मास है इन ग्राम पर मोल उसको 10^-3 से मल्टीप्लाई कर लेना तो वो होगा उसका मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। दूसरा एग्जांपल, अब जैसे मान लो अपन ने हाइड्रोजन लिया
हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास 2 है, इसको यूनिट नहीं है, तो इसका मोलर मास ऐसे लिखना। ये जो मॉलिकुलर मास है 2, इसको सिर्फ ग्राम पर मोल लगा देना और फिर इसको 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका यूनिट किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 g/mol है, या हाइड्रोजन का मोलर मास 2×10^-3 किलोग्राम पर मोल है। 2 g है, 2×10^-3 किलोग्राम। तो सब्सटेंस का जितना मॉलिकुलर मास होगा उसको सिर्फ ग्राम पर मोल लगा दिया तो वो बन जाएगा उसका मोलर मास इन ग्राम पर मोल, और उसको 10^-3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो बन जाएगा उसका मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। अब मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6 है। इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है, ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स है। कार्बन का एटॉमिक मास अपने को मालूम होना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, एक एटम का मास 12 है, यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स है तो 6×12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन एटम्स है तो 12×1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम्स है तो 6×16 ये 72 आएगा, ये 12 आएगा और ये 96 आएगा, इन सब की टोटल है 180 आएंगे। 180 ये ग्लूकोज का मोलर मास नहीं है, 180 ये ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास है। मॉलिकुलर फार्मूला पर से कैलकुलेट किया गया मास है इसका मॉलिकुलर मास। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास है इसको ग्राम पर मोल लगा देना तो ये होगा ग्लूकोज का मोलर मास इन ग्राम पर मोल। और इसको अगर अपन ने 10^-3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये होगा उसका मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास 180 है लेकिन उसका मोलर मास 180 g/mol है, या 180×10^-3 किलोग्राम पर मोल है। दोनों सेम है, सिर्फ यूनिट डिफरेंट है, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में। तो सब्सटेंस का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है उस पर से उसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर दो और उसका जो भी मॉलिकुलर मास आएगा सम ऑफ एटॉमिक मासेस उसको सिर्फ ग्राम पर मोल लगा देना तो वो होगा उसका मोलर मास इन ग्राम पर मोल, या उसको 10^-3 से मल्टीप्लाई कर लेना तो वो होगा उसका मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते वक्त अगर कंपोनेंट के मासेस ग्राम है किलोग्राम में दिए हैं तो उनको उनके मोलर मासेस से डिवाइड करके उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, और सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद में फिर उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। मोल फ्रैक्शन के लिए अपने फॉर्मूला लिया है उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूले। पहला फार्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इट्स मोलर मास इन ग्राम पर मोल, और दूसरा फार्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन किलोग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन किलोग्राम पर मोल। जनरली प्रॉब्लम में मोलर मासेस दिए रहते अगर मोलर मासेस दिए नहीं है लेकिन अपने को फार्मूला मालूम है तो फार्मूला यूज करके उस पर से अपन उसका मोलर मास जैसे अभी बताया उस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक समझने के लिए एग्जांपल, नाउ सपोज 10 g ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 90 g ऑफ वाटर। 10 g ग्लूकोज को 90 g वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन तैयार किया है, और ये जो सॉल्यूशन है इसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन अपने को कैलकुलेट करने का है,
और इसमें के वाटर का भी मोल फ्रैक्शन अपने को कैलकुलेट करने का है। आप ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए अपने को ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे और वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स अपने को लगेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एनजी लिखेंगे अपन विल बी इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज ग्राम में दिया है 10 ग्राम और अभी अपन ने ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट किया है। ग्लूकोज का मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का मास 10 ग्राम, ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल टू द पावर -1 ऊपर गया तो मोल, यानी ये आएंगे ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को वो नंबर ही है, मोल लिखा तो भी चलेगा नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। 1/18 यानी 0.0555 एंड सो ऑन। ये होगा ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स N2 इक्वल टू वाटर का मास 90 ग्राम अपॉन, अभी अपन ने वाटर का मोलर मास कैलकुलेट किया था, वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल यानी मोल, और ये आएगा 5। ये ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स हो गए और ये वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। दो ही कंपोनेंट्स है इसमें। अब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन x, उसको सफिक्स ग्लूकोज g, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन एंड ये ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स अपन ने कैलकुलेट किए हैं 0.055 एंड सो ऑन अपॉन दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स 5 है और इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.055 हो गए, तो ये आएगा 0.055 अपॉन, इन दोनों की सम आएंगे 5.055। इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना और इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो 0.01 से थोड़ा सा कम आएगा, 0.009 वगैरह कुछ तो भी आएंगे, वो कैलकुलेट करके देख लेना। वो होगा ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन और फिर उसको 1 में से माइनस कर देना तो वो आएगा वाटर का मोल फ्रैक्शन। अब ये तो डायरेक्ट प्रॉब्लम हो गए, ये प्रॉब्लम अलग तरीके से भी आ सकता पेपर में। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली दिया है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज या कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, ये डायरेक्टली दिया है। अब इनडायरेक्टली ये प्रॉब्लम ऐसा भी आ सकता है, गिवन एक्वियस सॉल्यूशन, गिवन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% W/W। ग्लूकोज का एक्वियस यानी वाटर में का जो सॉल्यूशन है वो 10% W/W है। W/W का मतलब मास परसेंटेज। तो ये जो सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, इसमें ग्लूकोज का मास परसेंटेज 10 है और मास परसेंटेज की डेफिनेशन अपन ने इसके पहले दी है। मास परसेंटेज यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में का सब्सटेंस का मास। अब ये जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इसमें ग्लूकोज का मास परसेंटेज 10 है, इसका मतलब अपन ऐसा लेंगे कि अगर अपन ने सॉल्यूशन का मास, अगर अपन ने सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम लिया तो उसमें ग्लूकोज का मास 10 ग्राम रहेगा, ग्लूकोज का मास 10 ग्राम और सॉल्यूशन के मास में से ग्लूकोज का मास माइनस करने के बाद में वाटर का मास मिलेगा, तो मास ऑफ वाटर इन दिस केस विल कम आउट टू बी 90 ग्राम। ये ग्लूकोज का मास हो गया, ये वाटर का मास हो गया, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करना, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करना, इसके नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, दोनों की टोटल करना
और इसके अगर आप इसको टोटल से डिवाइड किया तो इसका मोल फ्रैक्शन और इसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको वन में से माइनस कर देना तो अपने को वाटर का मोल फ्रैक्शन मिलेगा। ये डायरेक्ट हो गया प्रॉब्लम, ये इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्टली ऐसा भी आ सकता है अगर अपने को सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया है तो उस पर से सॉल्वेंट का मास परसेंटेज बचा हुआ कैलकुलेट करना, सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास पर से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना और फिर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद में कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना और उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर देना तो अपने को दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिलेगा। तो ये होगा मोल फ्रैक्शन के बारे में। और मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए वो जो दो फार्मूले आपको बताए वो हमेशा के लिए ध्यान में रखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन ग्राम और किलोग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस और कंपोनेंट इन ग्राम पर मोल और इन किलोग्राम पर मोल। और मोलर मास प्रॉब्लम एक तो दिया रहेगा नहीं तो उसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है उस पर से उसमें के सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस की टोटल करना वो होगा उसका मॉलिकुलर मास। और मॉलिकुलर मास को सिंपली ग्राम पर मोल लगा देना तो वो होगा उसका मोलर मास इन ग्राम पर मोल। उसको 10^-3 से मल्टीप्लाई किया तो वो होगा उसका मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। तो ये होगा मोल फ्रैक्शन के बारे में। और कुछ है मोलरिटी वगैरह है नॉर्मेलिटी वगैरह है। देर आर सम अदर वेज ऑल्सो फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।